हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 3 जीके कर रहे थे। देखिए, जीके में हमने चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16, जो कि पेज नंबर 26 पर है। तो देखो, चैप्टर नंबर 16 जो है, इसका नेम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एनी साउंड दैट हैज अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन अवर माइंड इज अ म्यूजिकल साउंड। जो भी ऐसा साउंड होता है जिसकी वजह से हमारे दिमाग या फिर हमारे माइंड में शांति टाइप की मिलती है या फिर हमें अच्छा लगता है, इस तरीके के साउंड को हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। म्यूजिकल साउंड इज जनरली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल साउंड होता है, इसको हम जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बजाते हैं। डू यू नो अबाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप किसी इनके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं? तो अगर जानते होंगे तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो बस अब देखो, हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नेम दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की मदद से हमें इनके क्या करना है? नेम बताने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है, इसका नेम बताना है हमारे लिए। तो फर्स्ट वाले का है क्लैरिनेट। देखो इधर पे लिखा होगा क्लैरिनेट। ओके, सो बी वाला है फर्स्ट वाले का, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर, CLARINET, CLARINET, क्लियर। सेकेंड वाले का जो आंसर होगा, इसका नेम है पियानो। देखो इसको तो सब जानते हैं ना, पियानो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पर है पियानो, ये है डी वाला पार्ट, PIANO। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे PIANO, पियानो। थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाले में ये डायग्राम बना हुआ है। थर्ड वाले का ट्रम्पेट, क्या नेम है? ट्रम्पेट। इसको अगर हम देखें तो एच वाला पार्ट है ना, TRUMPET, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TRUMPET, दिस इज द आंसर। इसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये जब भी भजन वगैरह होते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। तो फोर्थ वाले का जो आंसर होगा, ये होगा हमारा कैम्बेल, कैम्बेल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई वाला जो पार्ट है ना, ये होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ CYMBALS, CYMBALS, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले का तो बहुत ही इजी है, ड्रम है इसका नेम। तो ड्रम देखो कहाँ पर, सबसे नीचे जी वाले पार्ट में ड्रम लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूँ DRUM, ड्रम। इसके बाद सिक्स वाले पे आ जाते हैं। सिक्स वाले में देखो क्या लिखा है, सितार। ये जो है ना, ये डायग्राम, ये हमारा सितार, SITAR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SITAR, क्लियर। इसके बाद सेवेंथ वाले पे आ जाता हूँ। सेवेंथ वाले में देखो, ये हमें बताना है ये किसका वो है। तो इसका नाम है तंबोरियन, तंबोरिन। ओके, तो TAMBOURINE, तंबोरिन। एट्थ वाला देखते हैं, एट्थ वाला वायलिन। सिक्स से जो लास्ट बच्चा है ना, तो इसलिए ये तो वही होगा। तो वो उसका नेम है वायलिन, VIOLIN। सो ये हो गया एट्थ का आंसर। तो अभी एट तक ही थे, इसके बाद हमारा हो गया चैप्टर नंबर 16 क्या कंप्लीट। अब इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 17 हम। तो इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्लियर, शेयर करना वीडियोज को, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो। और कोई भी डाउट रहे किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो कॉमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं, क्लियर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।